अरे ये सारी नाटक नौटंकी जो है घर वालों के सामने करनी है। जब घर वालों के सामने जाके बोलो कि सिरिका ने हम पे जादू टोनो करो है, समझे? बाय तो हमें जा घर से निकालना है। अपनी देवरानी पर झूठा इल्जाम लगाना सही नहीं है। अरे तुम हमें ना समझाओ बाबा कि का सही है का सही नहीं, ठीक है? आपकी देवरानी ने आपके साथ ऐसा किया, क्या क्या बिगाड़ा? अरे बकवास मत करो तुम, भाई डाली नस ले। कोई है? जय शंभू, जय जय शंभू। अरे कोई है? जय शंभू। अरे को है, आ रहेंगे, रुको तनक देर। आप? जी हाँ, हम। हमें पता है इस घर में किसी कन्या पे काला जादू हुआ है, हम उसे ही ठीक करने आए। पर आपको कैसे पता चलो? हमने तो जाबात किसी को भी ना बताई हती। हमें सब पता है बच्ची। हम अपनी शक्तियों से ये भी बता सकते हैं कि जिस पे ये टोटका हुआ है उसका नाम जे से शुरू हुआ है। भाभी? भाभी 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 भाभी, सही बोले आप। ये बाबा भाभी से तो मिले आए हैं, ओमकार भेजी से। बाबा आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो सब कछु पता है गो। शंभू शंभू। का शंभू, हमारा एक तो सवाल है। सवाल ये है कि बउआ तो पहले वाले बाबा से बात करी था, फिर ये कौन है? कौन? उप काले बाल वाले बाबा। भाग ए भैया, वो एकदम लुल बाबा है। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये बाबा बहुत पहुंचे वाले बाबा है। कहा बताएं भैया, बिना टिकट के लिफाफा को सही एड्रेस पे पहुंचा देते हैं बाबा। बाबा की जय हो। डाकिया है का? अबे कहे के मतलब ये है कि जो बाबा है ना, बिना हाथ लगाए किसी भी सामान को इधर से उधर पहुंचा सकते हैं, समझा? ज्यादा मत बोल, पकड़े जाएंगे, भौंदा फूट जाएगा। बाबा की जय। ऐसा है तो फिर 9 नंबर वाली का ना सामान पूरा पैकिंग के साथ रेडी है, बाबा से बोलो पहुंचा दे। हाँ, हम भी तो देखे कितने पहुंचे हुए बाबा हैंगे। जा उस गए ना। एक लपड़ देंगे नंदू, पकड़ा गए होगा। अबे पहुंचे हुए बाबा हैं, इनसे सामान पहुंचाओगे? सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बाबा। बाबा चले का? ये तुम बाबा के चक्कर में कब से घूमे लग गए हो? कहो तुम हो अपने बाबूजी की तरह बाबा बने की तो नहीं सोच रहे हो? अरे नहीं अम्मा। हाँ, काहे से कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया के जितने भी बाबा है ना, हम उन सब में अपना बाप ढूंढ रहे हैं। क्या पता पापा बाबा बन गए हो। चमक छल्लो हमका लगा कहो तुमने बाबूजी तो नहीं, छम्मक छल्लो ही कह के बुलावत रहे ना। चाचा जी। ए जैसे सुनो सुनो, हम का कह रहे थे, बाबा कुछ दिखाए वाले थे। बाबा दिखाओ। हाँ हम दिखाएंगे, आप सभी को चमत्कार दिखाएंगे। बाबा की जय हो। भैया पिटवाओगेगा सबके सामने, हमका भी बाबा प्रणाम। हाँ तो पहले उस बच्ची का इलाज करेंगे, उसके बाद चमत्कार दिखाएंगे बाबा सबको। हाँ भैया, तो जोर से बोलो बाबा की जय हो, बाबा की जय। होई बात माँ? हाँ। आ जाओ लाइन में, आ जाओ लाइन में। अब हमारा एक और सवाल है, जब बउआ ही बाबा का भेजिस है तो बउआ खुद काहे नहीं आवा? कैसी बात करें आप भैया, अरे वो बीजी आदमी है, बैंक में काम करे वाला, वो कहाँ से आएगा? इसलिए तो हमका भेजी से भैया, आपका हमारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है का?
ना थोड़ा सा नहीं है तो आप फोन लगा के पूछ लो का है? का बाबा अरे कौन सी बड़ी बात है अरे बउआ वो काम करा का उका फोन लगाई देते हैं एक बार हम लगाई देते हैं। पागल हो क्या तुम क्यों बोलते हो इतना मरवाओगे तुम अब माना फूटेगा जी 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 बाबा जी अरे भैया सस्ता बादाम खा लिए हो का okay. अरे वो मीटिंग में हुई ओके आसपास 10-15 लोग हुई है वो कैसे फोन उठाई वैसे भी एक का पॉकेट में धरो हम है ना भैया हम है बाबा अब यहाँ बाबा बाबा की कोनो जरूरत नहीं है अरे ये सबका पैसा लूटे का तरीका है और कुछ नहीं है घबराइए नहीं हम अपने काम का पैसा नहीं लेते बताइए वो पीड़िता कहाँ है और वो टोटका किस स्थान पर हुआ था बारो हमारी जीजी को कमरो पहली बार उते ही नींबू मिर्च मिले हते हाँ आइए रुकिए बाबा आप कुछ कुछ ना कहीं ना कैसे कि ये बहुत गुस्सेल बाबा है ये किसी भी बात पे बुरा मान जाते हैं शराब नहीं देते हैं ये देखो गुस्सा आ गए बाबा नहीं बाबा नहीं बाबा शांत बाबा आसान बाबा नदान है बाबा बाबा हम लेके चलते हैं ना जीजी के कमरे में चल हमें वो कमरा पता है बाबा को सब पता है हाँ कैसे कि बाबा बहुत बड़े वाले अंतर्यामी है इनका हाँ, सब पता रहता है बाबा को सब पता है और हम पीड़िता से अकेले में बात करना चाहते हैं हमारे और उसके बीच में कोई नहीं आएगा अकेले में भाभी हम जाएं भाभी को इनके साथ अकेले कैसे छोड़ सकते हैं हम पर विश्वास रखिए हम सब ठीक कर देंगे चले 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 आइए बाबा उठे उठे जय शंभो बाबा जे हेंगे हमारे जीजी जिन पे टोनो भाव है तो जा है अलंकार की पैसे लूटबे की गोटी अब जतांत्रिक को सबक सिखाते हैंगे हम मोड़ी ये कौन है जीजी जी बहुत बड़े तांत्रिक हेंगे जे ही हटाएंगे तुम्हारे दोनों अब आप हमें पीड़िता के साथ अकेले छोड़ दीजिए हाँ हम जाते हैं बाबा जब तमाशो हमारे सामने करने की जरूरत ना है बहुत देखे हमने तुम्हारे जिस ये ओम त्र्यंबकम निजामहि तुम्हें सुनाई ना दे रहो का हैं का कह रहे हम जी तुम लोगों ने 2.5 लाख हड़पने की योजना बनाई है कि ना बता रहे कूटी कोड़ी ना देंगे भाई ए बाबा बात कराओ हमारी बासे जिनने तुम्हें भेजो इतने हमें किसने भेजा है हम स्वयं आए हैं आपकी देवरानी ने आप पर जादू टोना किया है ना ए बाबा ये हमारे सामने नाटक नौटंकी करने की जरूरत ना है तुम जिस स्कूल में पढ़े हो ना बाकी हेडमास्टर हैंगे हम चलो मिलाओ अलंकार को फोन बात कराओ हमारी मतलब भाभी और अलंकार आप क्यों नहीं मिलाती
हमारा फोन ना हमारे देवर के कने बाले हमें दो ना। तुम जा सबका पूछ रहे, अरे तुम्हें अलंकार ने कुछ समझा के ना भेजो को। अरे ये सारी नाटक नौटंकी जो है घर वालों के सामने करनी है, जा घर वालन के सामने जाके बोलो कि सिरिका ने हम पे जादू टोनो करो, समझे? बाय तो हमें जा घर से निकालना है। अपनी देवरानी पर झूठा इल्जाम लगाना सही नहीं है। अरे तुम हमें ना समझाओ बाबा कि का सही है का सही नहीं, ठीक है? आपकी देवरानी ने आपके साथ ऐसा किया, क्या क्या बिगाड़? अरे बकवास मत करो तुम, भाई डाल नस ले। तो अच्छा ही होगा, हमारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। हाँ लोगों का यही लागत है, ये घर के लोगों का दिमाग में गोबर भर गया। अरे एक अनजान बाबा को बहुरिया के कमरे में छोड़ दिए, कौन करता है भला ऐसा? अरे गुप्ता जी तुम तनिको चिंता ना करो, हा? अगर वो बाबा ने बड़की दुल्हन को ठीक नहीं किया ना तो हम उस बाबा को ठीक कर देंगे, देख लेना। क्यों भाभी, क्यों किया आपने ऐसा? बउआ हम जब बात हम बताते कब? आपका मोबाइल उस दिन आपके फोन में जब अलंकार की कॉल आई थी ना तो मैंने देख लिया था। तभी समझ गया था भाभी कि जादू टोना ये सब जो हो रहा है ना उसके पीछे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता था भाभी आप शिवका को पसंद नहीं करती, पर इतनी नफरत वो भी इस हद तक। शिवका रोती थी भाभी, पर इसलिए नहीं क्योंकि उसके सर पर इल्जाम था, इसलिए क्योंकि वो आपको इस हालत में देखती थी। और आप हमें माफ कर दो बउआ, हमें माफ कर दो। माफ भाभी, एक तो आपने ये सब किया और ऊपर से अलंकार के साथ मिलकर। ना बउआ, हम अलंकार से ना मिले बल्कि हमारे पास तो कछु चारों ही ना तो जा सब करने के अलावा। अगर हम ये सब ना करते ना तो अलंकार तुम्हारी जान ले ले तो जेला ने हमें बाकी बात माननी पड़ी। जान ले लेता मेरी? क्यों भाभी? शिविका के लाने अलंकार शिविका को प्रेमी है, माँ को पानी के लाने वो कछु भी कर सकते है। माँ ने हमसे कही जा सब करने के लाने, माँ को कहो भी हाल में शिविका चाहिए थी बस। जय लाने हमने भी जे सब करो, पर इसके लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी भाभी? अरे तो और क्या करते बउआ, शिविका इतनी अच्छी हैगी कि बाय को भी ऐसे ना जाने दे तो घर से। जयला ने तुम्हारी जान बचाने के लाने हमने, हाँ हमने शिविका पे इल्जाम लगा के माँ को घर से बाहर निकालने की प्लानिंग करी थी। अब तुम जा बात के हमें जो सजा देना चाह रहे हो दे दो, पर एक बात बताए बउआ तुम्हें, हमारी जान चली जाए पर हम सच बताए तुम्हारा बाल बा को ना होने देंगे हम। मुझे एक बात बता सकती थी, बात कर सकती थी मुझसे भाभी आप? क्या बताते बउआ, बालकर बहुत कमीनो है, बा ने तुम पे हम पे सब पे नजर रखी थी, अगर बा को पता चल जा तो तुम्हारी जान ले ले तो। भागा ले क्या वो आदमी, जब शादी कर रहा था तो कर लेता, भागा क्यों मंडप से उठकर और अब ये सब कर रहा है? हम कहा जाने बाकी मन में कहा है बउआ,
हम तो बस इतना जानते कि तुम्हें कछु ना हो। माँ ने तो मिक्की को मारने की भी धमकी दिया थी। हम बहुत डर गए थे बउआ। जयला ने हमने ये सब करो है। आपने हम सबसे ये बात छुपा कर बहुत गलत किया भाभी। सोचा है आपने कभी सबको जब पता चलेगा तो कैसा महसूस होगा उन्हें? शिविका को कितना खराब लगेगा आपको आपको पता है? हमसे गलती है गई बउआ। हमसे बहुत बड़ी गलती है गई। हमें माफ कर दो। हमने जो करो तुम्हारा नहीं करो बउआ। और कछु ना है हमारे मन में। भाभी भाभी अब रोने से कुछ नहीं मिलेगा। जो होना था वो तो हो गया ना। अलंकार ने आपका इस्तेमाल किया है और अब हम अलंकार का इस्तेमाल करेंगे। भाभी ये नाटक यहीं खत्म करते हैं। बाहर आप जाएंगी तो ऐसे बिहेव कीजिएगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, सब नॉर्मल है, सब ठीक है। और अब वैसा कीजिएगा जैसा मैं सबको कहूंगा, ठीक है? ठीक है। जय शंभो। बाबा बाबा का भाव? हमारी जज्जी को दोनों ठीक भाव की ना? नहीं है? इसलिए क्योंकि उन्हें टोना टोटका हुआ ही नहीं था। काला जादू, भूत प्रेत ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो भाभी का हुआ का था? एक तरह का डिसऑर्डर। उनका होता है? का है। इसे दिमागी गड़बड़ी भी कहते हैं। कई बार इंसान के दिमाग में ऐसी कोई बातें घर कर जाती हैं जिससे वो डिस्टर्ब हो जाता है, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। एक छोटी सी बात से भी ऐसी गड़बड़ी हो सकती है और ऐसे ही छोटी सी बात से चीजें ठीक भी हो सकती हैं। हाँ? ये बाबा तो बहुत चमत्कार ही निकले। जी नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं। ये आप जैसे लोग ही हैं जो तांत्रिक, काला जादू, ढोंगी बाबा लोगों को बढ़ावा देते हैं और उनकी दुकान चलाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो ठीक है, उन्हें आराम और प्यार दोनों की जरूरत है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, उनके साथ ऐसे पेश आइएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब ठीक है। एक बात और, तांत्रिक, ढोंगी बाबा, काला जादू, इन सब चीजों के चक्करों में कभी नहीं पड़िएगा। बड़े अजीब बाबा यार, मतलब खुद ही अपना धंधा बंद कराए पे तुले हो। हम बाबा नहीं है। का कह रहे हो? बाबा नहीं तो मतलब का हो? बाबा कम डॉक्टर, ऐसे लोग जिन्हें डॉक्टर से ज्यादा तांत्रिक, काला जादू, ढोंगी बाबा लोगों पे भरोसा होता है, हम उनका इलाज ऐसे करते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी भाई? हमारी कोई फीस नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। चले बाबा। चलो बाय। शंभो शंभो। सब जना ऐसे क्या देख रहे हैं हमें? हाँ, वो बाबा ने कछु कहो का? अरे जीजी मैं बाबा नहीं, हमा मतलब नहीं, कछु ना कहो तांत्रिक बाबा ने। तो तुम आराम कर लो, है कछु ना कहो, आराम कर लो। माय कारण सब जना को बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। जयला ने हम सबसे माफी मांग रहे, हमें माफ कर दो।
बाबूजी, बाबूजी हमें माफ कर दो। दुल्हन माफी कौन बात की? अरे तुमने जानबूझ के थोड़े कुछ किया है, जो कुछ हुआ वो कब भूल जाओ। सिपिका हमें माफ कर दो, हमारे कारण तुम्हें भी बहुत सुनना पड़ो, हम तुमसे भी माफी मांग रहे हैं। भाभी